और इसी बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि राज्य में बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता है। अभी पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो कब का है, हालांकि इस बात की पुष्टि एमके न्यूज नहीं करता, लेकिन इसमें बीजेपी नेता राज्य में कमीशनखोरी पर दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। और वीडियो में रावत साफ तौर पर कहते हैं, भले ही मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, शायद यह नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो वहां पर सार्वजनिक काम करने को लेकर 20% कमीशन दिया जाता था। अलग होने के बाद उत्तराखंड में जीरो होना चाहिए था, लेकिन यह जारी रहा और हमने 20 के साथ शुरुआत की है। बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कमीशन खोरी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। बता दें कि तीरथ सिंह रावत का विवादों से पुराना नाता रहा है। जीरो में आना चाहिए था, हुआ क्या? और तीरथ सिंह रावत का विवादों से पुराना नाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में बीजेपी की सरकार है। लेकिन और सबसे पहले तो आपको बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है जनप्रतिनिधि। तो जन कोई हिचक नहीं होती, जब उत्तर प्रदेश में थे हम, जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था, हुआ क्या? 20 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था, तो हम 20 से शुरू हुए। हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। मुझे तो ये वो टिप्पणी थी, ये वो बयान था जो तीरथ सिंह रावत ने दिया है, और ये एक तौर पर विवादित बयान माना जा रहा है, और ऐसे समय में माना जा रहा है जब उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे रेसिडेंट एडिटर अवनीश जैन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो तीरथ सिंह रावत विवादों से उनका नाता रहा है, हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे बयान दिए हैं, ऐसी टिप्पणी की है जो विवाद की वजह बनी है। पुराना उनका एक विवाद था, उन्होंने जींस को लेकर, रिप्ट जींस को लेकर आपत्ति जताई थी, और अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि राज्य में कमीशन खोरी के बिना कोई काम नहीं होता है। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? जी मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने बताया, जैसे कि भाई अपनी अनर्गल बयान रैली के लिए मशहूर हैं, काफी विवादित रहे हैं। जी बिल्कुल सर, और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पर ना रहे, 115 दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तक के शॉर्टेस्ट टर्म मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी। बिल्कुल, और जो उनके प्रमुख सलाहकार थे RDF रावत, वो भी इस समय जेल में है, जो कि एक भर्ती घोटाले के अंदर वो मुख्य अभियुक्त माने गए हैं, और वो जिस समय जेल की सजा काट रहे हैं जी। बिल्कुल, फिलहाल तो तीरथ सिंह रावत जी ने या तो अपनी जो चीज है या जो फीस है, उनके जो प्रमुख सलाहकार हैं वो जेल में है, उनकी या तो फीस निकाल रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि एक छोटी संजीव साजिश के तहत वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुशील सिंह धामी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में जी, उनको असेस करने का एक प्रयास है जी। बिल्कुल, लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि कहीं ना कहीं उनके बयान से ये तो लग ही रहा है कि शायद उत्तराखंड में कमीशन खोरी का जो सिलसिला है वो अभी भी बदस्तूर जारी है, शायद उन्हीं को लेकर वो टिप्पणी करते रहे हो, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी की जो तुलना थी उन्होंने भगवान राम से की, उसके बाद में उन्होंने लड़कियों के जो जींस पहनने के जो तरीके हैं उन पर आपत्ति जताई, और अब वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है कमीशन खोरी के बिना कोई काम नहीं होता। ये टीस कहें इसको या फिर राज्य की जो हकीकत है वो बयां कर रहे हैं, क्या कहें सर उसको हम? नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हर विभाग में 20% की कमीशन खोरी चल रही है जी, उनके कहने से राज्य में राज्य में जो कमीशन खोर को बन गया, ये तो एक बड़े अजीब सी बात होगी कहना जी। हाँ, इनका ये कहना कि राज्य में कमीशन खोरी चल रही, इससे ये बहुत से लोगों को अहद करने की कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की एक षड्यंत्र है। मैं तो यही कहूंगा ये षड्यंत्र है, तो जिस प्रकार तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं वो 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी को षड्यंत्र की कमीशन खोर को जेल भेजा? जी बिल्कुल, जबकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये कई लोगों को जेल भेज चुके हैं, जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं या किसी भी तरह के जो गलत मामलों में इन्वॉल्व, काफी लोग जेल जा चुके हैं, जिसके
अंदर उनके जो तीरथ सिंह रावत के जो प्रमुख सचिव रहे थे आरती इतराज, वो भी उसमें शामिल हैं। जी इस समय जेल की हवा काट रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये षडयंत्र है, उसके लिए हमें सरकार को अवहेत कर। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक विवादित बयान सामने आया है। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कमीशन खोरी के बिना कोई भी कार्य नहीं होते हैं। अब ये उनकी टीस है या राज्य की हकीकत, जो कुछ भी है ये एक सवाल है। इसी के साथ